हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टॉप 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में हमने सेलेक्ट किया है, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो विदाउट डिले आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद से दें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ असम 2022-23। हाल ही में असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? डी, डॉक्टर तापन सैकिया को। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? करेक्ट आंसर इज बी, 1951 में। हु डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते कौन तय करता है? आंसर है ए, बाय पार्लियामेंट। संसद के द्वारा प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते तय किए जाते हैं। रिसेंटली विच कंट्रीज वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर मेसुत ओजिल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसुत ओजिल ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की है? करेक्ट आंसर है डी, जर्मनी। टू होम डिड महात्मा गांधी गिव द टाइटल दीन बंधु। महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसे दी थी? करेक्ट आंसर है सी, सी एफ एंड्रयूज को। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गवर्नर जनरल या फिर भारत के चीफ जस्टिस। आंसर इज डी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राइट आंसर इज ए, सुकुमार सेन। रिसेंटली विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? आंसर है बी, छत्तीसगढ़। विच इज द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। दिए गए स्टेट में से भारत का कौन सा स्टेट मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रेफर्ड टू एज लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? आंसर इज डी, नाइट्रस ऑक्साइड। When is Human Rights Day celebrated? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10th December को। How many times did Mahmud of Ghazni invade India? महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आंसर है सी, 17 times। Where is Valmiki Tiger Reserve located? Valmiki Tiger Reserve कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा डी, बिहार स्टेट में। Whose ore is dolomite काकोत्री? Dolomite किसका अयस्क है? तो आंसर है सी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच विटामिन इज फाउंडेड इन एनालॉजी। सादृश्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी।
When has the International Day of the Unborn Child been celebrated recently? हाल ही में अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो आंसर है 25 मार्च को। With which of the following sport is Manika Batra associated? Manika Batra निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? तो राइट आंसर होगा डी, टेबल टेनिस। Who has been honored with Wildlife Conservation Award 2023? वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा बी, आलिया मीर को। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है डी, 5 जून को। व्हेन वाज द पिन कोड और पोस्टल इंडेक्स कोड इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर होगा बी, 1972 में। टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन? संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे दिया गया है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। आंसर क्या होगा? ए, हिमाचल प्रदेश में। When was UNO, United Nations Organization established? करेक्ट आंसर इज बी, 1945 में। Where is Jim Corbett Park located? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। Which Muslim invader destroyed the Somnath Temple? किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था? तो आंसर होगा सी, महमूद गजनी। हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे एवरी ईयर ऑन 29th अगस्त? किसकी जयंती हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो यहाँ पे नेम दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? डी, मेजर ध्यानचंद। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट DGCA रिपोर्ट, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीमेन पायलट्स इन द वर्ल्ड? DGCA की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से यानी कि विश्व में से सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है? तो यहाँ पे कंट्री के नेम है इंडिया, चाइना, USA, पाकिस्तान। आंसर होगा ए, इंडिया में। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आंसर है सी, 15। Which of the following country has won the FIFA World Cup the most number of times? निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे अधिक बार FIFA World Cup जीता है? Right answer is D, Brazil. Question number 29 देखिए। गंगा सागर मेला is celebrated on the occasion of मकर संक्रांति from 13 to 15 जनवरी एवरी ईयर इन? हर साल 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा सागर मेला मनाया जाता है। कहाँ? बिहार, यूपी, एमपी या फिर वेस्ट बंगाल में? आंसर है डी, वेस्ट बंगाल में। द फर्स्ट 5-year plan's मेन emphasizes वॉज टू इम्प्रूव द
कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया द प्लान बिगन इन द ईयर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो मुख्य रूप से भारत के एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए थी, ये किस वर्ष में शुरू हुई थी। तो आंसर होगा 1951 में। इसी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में आपसे अलग तरीके से कैसे पूछेगा आगे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच एक्ट्स एज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। आपको ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्र सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सही आंसर आपको पता ही है, ए 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 2023 में RBI ने अपना 63rd फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया है, तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, द मेजर इम्फोसाइज ऑन द 1st 5-year प्लान ऑफ इंडिया वॉज। हमने एक क्वेश्चन में देखा कि जो पहला 5-year प्लान था वो 1951 में था। इसमें आपको बताना है कि भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे फोकस थी। तो आंसर क्या होगा, ए एग्रीकल्चर पे वेस्ट थी, यानी कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था इसके इम्प्रूवमेंट के लिए। मटकी इज अ पॉपुलर फोल्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मटकी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो आंसर है मध्य प्रदेश। When was the anti-defecation law passed? दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था। आंसर है 1985 में। In which state is the घनाबर्ड सैंक्चुरी लोकेटेड। घना पक्षी अभयारण्य जो है ये किस राज्य में है। तो आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। राइट आंसर इज डी, खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। पीसफुल मिशन ज्वाइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। शांतिपूर्ण मिशन संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया। तो आंसर है सी रशिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न बैक फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बिल है जिसे राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है। तो आंसर होगा बी, मनी बिल को वापस नहीं लौटा सकता है गवर्नर। विच आर्टिकल डील्स विद एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। कौन सा अनुच्छेद राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। तो आंसर है आर्टिकल 165। विच आर्टिकल डील्स विथ द अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस। राइट आंसर इज डी, आर्टिकल 126। द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया इज टेकन फ्रॉम। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी। तो यहाँ पे है अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कैनेडा, जापान। आंसर क्या होगा, बी साउथ अफ्रीका से। द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और UPSC सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो आंसर है बी प्रेसिडेंट को। आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ ऑब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MP बी डिसक्वालिफाइड। बिना अनुमति के
संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद एक सांसद या एमपी को अयोग्य ठहराया जा सकता है, यानी कि डिसक्वालिफाइड कर दिया जा सकता है? तो आंसर है बी 60 डेज, यानी कि 60 डेज बिना इन्फॉर्म किए, बिना परमिशन के अगर अब्सेंस है एमपी तो इन्हें डिसक्वालिफाइड किया जा सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आंसर होगा ए आर्टिकल 19 में। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल और AFT इज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर इज बी 2009 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और CSP फाउंडेड? करेक्ट आंसर इज ए 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर्स। तो आंसर है बी 5 ईयर्स। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर? भारत की संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर इज बी 1946 में। हु डिसाइड्स ऑन द इशू रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल? 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा की सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन करता है? तो आंसर है डी स्पीकर। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कंटेंट इन द प्रीएम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर क्या होगा? ए फ्रांस। एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और UNO एस्टैब्लिश्ड, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या फिर डी? कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।